वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड क्या होते हैं। देखिए, म्यूचुअल फंड क्या है ये हर कोई जानता है, नहीं जानता है तो वीडियोस हमने बनाई हुई है, वो जाके आप लोग देख लीजिए, आपको आइडिया आ जाएगा व्हाट इज़ म्यूचुअल फंड, उसमें इन्वेस्टमेंट करने के क्या बेनिफिट और क्या नुकसान है। लेकिन जब हम इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो एन नंबर ऑफ़ वेराइटीज़ आती हैं और एन नंबर ऑफ़ AMCs आती हैं, तो किसमें इन्वेस्ट करना है किसमें नहीं करना है ये हम काफ़ी आगे जाके बताएंगे। बट अभी वेराइटीज़ कितनी हैं ये जस्ट नॉलेज पर्पज़ के लिए हम ये वाली सीरीज़ बना रहे हैं। तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, एन नंबर ऑफ़ वेराइटीज़ हैं और पहले से ये वेराइटीज़ चली आ रही हैं, बट जो मैं इसमें करने वाला हूँ ये जो सेबी ने सर्कुलर इशू किया था 2017 में, इसके अकॉर्डिंग जो ऑफिशियल कैटेगराइजेशन है हम उस कैटेगरीज़ की बात करने वाले हैं। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है ना, एक यूनिफॉर्मिटी के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। मतलब अगर कोई कह रहा है लार्ज कैप फंड, तो ऐसा नहीं कि लार्ज कैप फंड बोल के स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करके कस्टमर्स को पागल बनाया जाए, इन द सेंस चूतिया बनाया जाए। तो इसके लिए यूनिफॉर्मिटी आनी चाहिए और स्ट्रिक्टली फॉलो होता है। अब इसमें बेसिक कितनी वेराइटीज़ होती हैं मैं आपको बताता हूँ। तो अभी हम यहाँ पर देखेंगे कितनी कैटेगरीज़ आती हैं। तो अगर हम फर्स्ट कैटेगरी की बात करेंगे तो इक्विटी स्कीम आती है, जिसके अंदर 10 सब कैटेगरीज़ हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, मल्टी कैप, ऐसे बहुत सारे कैटेगरीज़ हैं। एक एक कैटेगरी और उसका अंडरस्टैंडिंग क्या है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। दूसरी आती है डेट स्कीम्स, यहाँ पे इसके अंदर 16 कैटेगरीज़ आती हैं। डेट स्कीम मतलब FD वाले स्कीम्स, जहाँ पर हमारा पैसा सेफ होता है, उसके अंदर 16 कैटेगरीज है। तो सोचिए उसकी कैटेगरीज़ किस तरीके से डिफ़ाइन की गई होगी। सिंपल वीडियो बनाया है, वो भी जाके आप लोग देख सकते हैं। तीसरा है हाइब्रिड स्कीम, इक्विटी और डेट को मिक्स करते हैं ना, उसको बोलते हैं हाइब्रिड। अब आप सोचिए, थोड़ा इक्विटी ले लिया, थोड़ा डेट ले लिया, मिक्स कर दिया, दैट इज़ कॉल हाइब्रिड। वो हाइब्रिड में भी 6 कैटेगरी कहाँ से आ गई, वो भी हम आगे देखेंगे। अगला है सॉल्यूशन ओरिएंटेड, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। उसके बाद आता है अदर स्कीम की कैटेगरीज आती हैं। तो ये जो हैं ये हम 5 अलग अलग वीडियोस में पांचों कैटेगरीज को डिटेल में देखने वाले हैं। तो ये है बेसिक वीडियो टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड। अब आगे आप लोग ये पांचों वीडियोस देखिए, आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आएगा म्यूचुअल फंड और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में कितने टाइप्स होते हैं। इसके बाद कोई भी आपको पूछेगा ना म्यूचुअल फंड का ये स्कीम है, तो आपको समझ जाएगा ये इन्वेस्टमेंट कहाँ पर हो रही है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इक्विटी स्कीम के साथ में। चैनल फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल फैल्कन फिन, और साथ ही साथ क्लिक कीजिए बेल आइकॉन पे, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।